याद बाबा दीजिए हमारा फिरदा, वो सिर्फ लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। एक अदीम कुर्बानियाँ, मुश्किलात से गुजरना, नामसाई हालात का सामना करना और उनमें कामयाबी हासिल करना, तब कहीं जाकर आप इस मकसद पे पहुँचते हैं कि बच्चों को तालीमी सलाहियतों के मुताबिक उनको तैयार किया जाए, उनको मुंतखब किया जाए। तो ये दो मिनट में इस बात को मैंने ख़त्म किया, लेकिन ये काफ़ी अरसे में इन चीज़ों को तैयार करने को अरसा लग जाता है। इसलिए तारीफ़ तो लोग कर देते हैं चंद लफ्ज़ों में, लेकिन तारीफ़ हकीकत में उनकी खिदमत का कि मुस्तहक नहीं है तारीफ, क्योंकि खिदमत ज़्यादा है, तारीफ़ का लफ्ज़ बहुत छोटा है। ये खिदमत पर मैंने भी पहली मरतबा देखा, और ये मैं समझ रहा था कि हमारे शहर में मुनफरिद अकेडमी है ये पहली, लेकिन हमारे अनवर साहब ने बताया कि इंडिया में पहला नंबर है। यकीनन हमको भी इस पर फख्र है कि इंडिया में पहले नंबर पर आने वाले हमारे अपने शहर के लोग हैं, हमारे शहर की अकेडमी है, इस पर हम भी फख्र महसूस करते हैं। बहरहाल आप अपनी खिदमत को जारी रखिए, हमारी नेक तमन्नाएँ आपके साथ है और हम आपके साथ हर किस्म का साथ देने के लिए तैयार हैं। उन मुंतखब सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को मैं मुबारकबाद देता हूं, उनके पेरेंट्स को, उनके वालिदैन को, और वालिदैन को इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि मौजूदा हालात में अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने का माँ बाप ने जो फैसला किया है वो यकीनन एक तारीखी फैसला है, क्योंकि बच्चों को बगैर तालीम के उनका मुस्तकबिल दरख्शां नहीं होता, बच्चे आगे तरक्की नहीं कर सकते। वो माँ बाप को भी मुबारकबाद जो अपने बच्चों को खून पसीने की कमाई से तालीम दिलवा रहे हैं। यकीनन चंद सालों में तालीम की तकमील होगी, लेकिन उम्र तमाम इस तालीम के से सहूलत मुहैया होगी, कामयाबियाँ मिलेंगी, खुशहाली आएगी, माशरे में बेहतरी पैदा होगी, ये सब कुछ तालीम के ज़रिए हो सकता है। तो माँ बाप जो फैसला किए हैं अपने बच्चों को पढ़ाने का, वो अजीम फैसला है। वो आज के दौर में गरीब से गरीब घर के लोगों ने तय किया, बगैर तालीम के हम जो मुसीबत उठाएं, हम अपनी औलाद को मुसीबत उठाने नहीं देंगे, लिहाजा खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं। तो ऐसे माँ बाप को मैं सलाम करता हूँ और तवक्को करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी इस तमन्ना में अपने बच्चों को कामयाबी मिले और वो बच्चे कामयाब होकर माँ बाप की उम्मीदों पर पूरे उतरे, माँ बाप की खिदमत करें और उनकी दुआएं लें। जो लोग माँ बाप की दुआ से कामयाब होते हैं, अल्लाह ताला उस कामयाबी को बुलंदियों तक पहुंचाता है, कभी जवाल नहीं आता। शुक्रिया खुदा। कैट अकेडमी जो हिंदुस्तान में पहली मर्तबा जो है हैदराबाद में कायम किया गया है, अकेडमी तो कही है लेकिन ये जो कैट अकेडमी होती है ये बजट प्राइवेट स्कूल्स जो गरीब बच्चों को तालीम दे रहे हैं हैदराबाद शहर और तमाम दूसरे शहरों में, ऐसे बच्चों के लिए उनकी सलाहियतों को उभार करने के लिए हमने एक एग्ज़ाम मुखर लगाया गया, उसका नाम है कैट, KAT कैट नॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट के लिए हमने कई स्कूलों को मदद किया था, जिसमें 69 स्कूल्स पार्टिसिपेट किए हैं और 4,235 बच्चों ने एग्ज़ाम लिया। पहले राउंड में हम लोग इस 4,235 में से 800 बच्चों को मुंतखब किया गया है जो टॉपर्स है, और उनको अलहदा अलहदा सेंटर्स में जाकर सेकंड राउंड एग्ज़ाम जो लिया गया है, इसमें से हम 100 टॉप रैंकर्स को चुना गया है। ये बिल्कुल पार्शलिटी के नहीं किसी स्कूल के साथ या किसी बच्चे के साथ, बच्चों की अपनी तालीमी सलाहियत के ऊपर जो है ना हम लोग ये काम किया है, जिसमें हम लोग टॉप 100 में से टॉप 10 बच्चों को हम इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जाने के वादा किया था, और हमने कोशिश की नासा जाने के लिए, लेकिन किसी टेक्निकल वजूहत से हमें नासा जाने का वीज़ा नहीं मिला। और मैं इन बच्चों को मायूसी मन नहीं करते हुए उन बच्चों को कोई भी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जाने की कोशिश में मैंने हांगकांग ले जा रहा हूँ। वहाँ पर जो है हम 5 दिन का प्रोग्राम है, हांगकांग स्पेस सेंटर में हम 2 दिन मुकाम करेंगे और बच्चों को जो है साइंस के बारे में, एस्ट्रो साइंस के बारे में हम मालूम करने के मौका देंगे। और यही नहीं बल्कि जो रिमेनिंग 90 बच्चे थे वो नेशनल एक्सपोजर ट्रिप था, इसके लिए हम लोग इसरो और बेंगलुरु जाके आए हैं।
ये तमाम जो है हम जो करने का मकसद यही है कि हमारे गरीब बच्चों में भी टैलेंट छुपा हुआ है, उस टैलेंट को उभार करना है, उन बच्चों को एक मौका देना कि वो आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम लोग एक टेस्ट रखे हैं, इसमें जो भी कामें होते हैं कि हम लोग उनको एवरी ईयर एक इंटरनेशनल ट्रिप होगी उनकी, ये तमाम जो भी ट्रिप है कोई भी बच्चों से पैसे न ले रहे हैं, ये स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड बाई कैट अकाडमी है। तो हम बच्चों को इंशाल्लाह हर साल लेके जाएंगे और नेक्स्ट ईयर के लिए हम सितंबर 6 तारीख से हम लोग डेट ऐलान कर रहे हैं। जो बच्चे दूसरे स्कूल्स वाले हैं, हम ऐसे स्कूल रहे हैं जिसकी फ़ीस 1000 रुपये के अंदर हो महीना, तो उससे बढ़ के अगर फीस होती है तो उनके स्कूल्स को हम इन्वाइट नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास पैसा है तो वो लोग खुद से खर्चा करके जा सकते हैं। वैसे बच्चों के लिए हम मौका नहीं दे रहे, जो बच्चे बाहर जाना मुश्किल है उन वैसे बच्चों को मौका देने के लिए हम लोग जो गरीब स्कूल्स है छोटा या बड़ा कितने बच्चे भी रहने दो वैसे स्कूल को हम चुन रहे हैं, उन्हीं बच्चों को मौका दे रहे हैं ताकि वो अपने एग्ज़ाम के थ्रू कामयाब होकर अपनी सलाहियतों को और भी बढ़ा सके। थैंक यू।